हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक 20 एम्पियर का स्विच, एसपीएन स्विच जो है उसको रिपेयर कैसे कर सकते हो बताऊंगा। दोस्तों ये स्विच काफी महंगे आते हैं, 60-70 रुपीज के आते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे गीजर का स्विच था 20 एम्पियर्स का, तो ये काम नहीं कर रहा है, लूज हो गया, कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो रहे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको इस तरीके से खोल दीजिए, ओके। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर का जो ये पार्ट है स्विच के नीचे, ये शायद जल गया है या किसी वजह से ये स्प्रिंग के साथ लगा रहता है, ये डैमेज हो गया है, तो इसको अलग कर दीजिए। और कोई पुराना स्विच होगा आपके पास में उसको खोल लीजिए, सिमिलर टाइप से कोई भी स्विच चलेगा, कितने भी एम्पियर का होगा चलेगा। उसके अंदर से खाली आपको ये पार्ट ले लेना है, फिर ये स्प्रिंग लगा दीजिए, इसमें ये पार्ट जो है आपका फिट कर दीजिए। फिर ये जो कनेक्शन है, ये लीवर है, इसको आप अंदर डाल दीजिए इस तरह से, ये अंदर जाएगा इस तरह से, ओके। फिर ये जो है जस्ट इसका ओरिएंटेशन एक बार चेक कर लीजिए, ऐसा है, फिर जस्ट स्विच लगा दीजिए। नहीं लग रहा है, थोड़ा फिट करने में दिक्कत होती है, लेकिन एक बार फिट हो गया तो सही चलेगा बिल्कुल। ये स्लिप हो रहा है यहां से, देखिए दोस्तों ये सही काम करने लग गया अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जल गया था तो वो पुश नहीं कर पा रहा था लीवर को, लेकिन अभी फुल्ली फंक्शन हो गया है, अब इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अगर वीडियो लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा और सब्सक्राइब करते तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग इसी तरह से वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, वाटर प्यूरिफायर रिलेटेड, गीजर रिलेटेड। तो ये गीजर का स्विच था, तो इसको रिपेयर करने की हमने कोशिश की और सक्सेसफुल रहे। थैंक यू वेरी फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर।